चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द टू स्लिट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर आर इल्यूमिनेटेड बाई द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.5 × 10⁻⁷ मीटर। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज विल बी। देखो सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। देखो ये स्क्रीन है, ठीक है, ये दो स्लिट्स हैं S1 S2, ठीक है, दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको d कहते हैं और d की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू स्लिट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी d की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अच्छा स्लिट्स और देखो यहाँ स्क्रीन और की जो डिस्टेंस है स्लिट से, ठीक है, वो दी हुई है 1 मीटर, यानी ये कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई यहां से यहां तक, ये कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर। और जो फ्रिंजेस बन रही होंगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले ये देख लो डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, इसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और अगर मान लो nth ब्राइट फ्रिंज है और mth डार्क फ्रिंज है, ठीक है, यानी दो फ्रिंजेस हैं लेकिन एक ब्राइट है एक डार्क है, तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं, n इज ग्रेटर देन m हो या n इज लेस देन m हो। और अगर n इज ग्रेटर देन m होगा तो जो दोनों फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस होगी ना डेल्टा x, दोनों फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होगा n माइनस m प्लस 1/2 × बीटा। और अगर n बड़ा हो n छोटा होगा तो उस केस में डेल्टा x इज इक्वल टू होगा m माइनस n माइनस 1/2 × बीटा। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू ज्यादा है या डार्क फ्रिंज की, तो आंसर है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी ये हो गया आपका n, ठीक है, और ये हो गया थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया m। तो इस केस में n इज ग्रेटर देन m है, तो कौन सा कंडीशन लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 − 3 + 1/2 × बीटा। बीटा की वैल्यू क्या बताया था मैंने, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ मीटर में एसआई यूनिट में है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे, या बीटा की वैल्यू सीधे निकाल ही लेते हैं, 6.5 × 10⁻⁷ − 7 × D की वैल्यू 1 मीटर है और स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻³। अगर इसको सॉल्व करेंगे 6.5 × 10⁻⁴ आएगा, ठीक है, फ्रिंज विड्थ, और ये क्या होगा मीटर में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं 6.5 × 10⁻⁴ मीटर। अब इसको सॉल्व करें, 5 − 3 = 2 + 1/2, 2.5 यानी 2.5 × 6.5 × 10⁻⁴। 2.5 में 6.5 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर का हम यूज कर लेते हैं, 2.5 × 6.5 ये आएगा 16.25। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 16.25 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। एमएम में कितना हो जाएगा, 16.25 × 10⁻⁕ mm, ठीक है। इसको आप क्या ले सकते हो, 1.625 mm लिख सकते हो। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.625, कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला 1.63 सबसे क्लोजेस्ट है, तो बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।